बच्चों, आज हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम पाठ 6 संज्ञा के अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए हम अपना कार्य आरंभ करते हैं। बच्चों, अभ्यास कार्य आरंभ करने से पहले आप संज्ञा की परिभाषा व इसके भेदों के बारे में एक बार पुनः समझेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के तीन भेद होते हैं। तीन भेद हैं, एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा व तीसरा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक के अंदर किस प्रकार के नाम आएंगे? दिल्ली, हिमालय, भारत, गंगा, रामायण, कृष्ण, मथुरा आदि जितने भी विशेष नाम या स्थान हैं और वस्तु हैं, वे सभी आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब आइए देखते हैं जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। इसके उदाहरणों में हाथी, गांव, कुत्ता, लड़की, मेज, नदी, पहाड़, चिड़िया आदि इस प्रकार के नाम आएंगे, जो नाम, जो शब्द किसी एक जाति की समस्त वस्तुओं के बारे में बोध कराते हों, वे सभी आएंगे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसी प्रकार मिठास, अच्छाई, मित्रता, बुढ़ापा, कायरता, जवानी आदि शब्द आएंगे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। जो शब्द किसी गुण, दोष या स्वभाव या अवस्था को प्रकट करेंगे, वे सभी शब्द होंगे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो आइए अब हम अपना अभ्यास कार्य आरंभ करते हैं। बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य पृष्ठ संख्या 22 में दिया गया है एवं 23 में भी दिया गया है। आइए पहले हम देखते हैं नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञा शब्दों के नीचे लाइन खींचो। संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? पहले वाक्य में दिया गया है गीता मेरी सहेली है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि गीता एक संज्ञा है और सहेली क्या है? सहेली भी संज्ञा ही है। तो आप सहेली के नीचे भी एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद है गिलास में दूध है। यहाँ पर गिलास क्या है? संज्ञा है एवं दूध भी संज्ञा है। बच्चों, दूध क्या है? दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है। बच्चों, आपको इस पाठ में द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में नहीं बताया गया है, परंतु दूध भी संज्ञा ही है क्योंकि यह एक नाम है। अब है चिड़ियाघर में बहुत से जानवर हैं। यहाँ पर आएगा चिड़ियाघर एवं जानवर, ये दोनों संज्ञा हैं। अब है नानी ने काजल को कहानी सुनाई। बच्चों, नानी और काजल तो संज्ञा है, पर ये कहानी क्या है? कहानी भी तो संज्ञा ही है। चलिए अब हम देखते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के दो उदाहरण लिखने हैं आपको यहाँ पे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर यहाँ पर एक उदाहरण पहले से ही दिया गया है। पहला उदाहरण है हिमालय। अब दूसरा उदाहरण हम क्या लिख सकते हैं? दूसरा उदाहरण हम लिख सकते हैं गंगा। बच्चों, गंगा एक नदी है जो कि विशेष है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। अब हम क्या लिख सकते हैं? अब हम लिख सकते हैं प्रयाग राज। प्रयागराज एवं गंगा, ये दोनों हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो बच्चों, आप अपने मन से भी दूसरे नाम लिख सकते हैं। मैं केवल आपको यहाँ पर एक उदाहरण देकर समझा रही हूँ।
आइए अब हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा के दो उदाहरण। पहला उदाहरण है जो दिया गया है पुस्तक। अब हमें दो उदाहरण और लिखने हैं, तो हम क्या लिखेंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंदर हम लिखेंगे, पहला उदाहरण हम लिख सकते हैं जैसे लड़का, और दूसरा उदाहरण हम लिख सकते हैं कलम। इस प्रकार ये हो गए दो उदाहरण जातिवाचक संज्ञा के। अब आइए भाववाचक संज्ञा में हम दो और उदाहरण ऐड करते हैं। तो पहला यहाँ पर कायरता दिया गया है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर बुढ़ापा, दूसरा हम लिखेंगे अच्छा। ये हो गया भाववाचक संज्ञा। बच्चों आइए अब हम पृष्ठ संख्या 23 पर चलते हैं। वह यहाँ पर दिए गए उदाहरणों को समझते हैं। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को उचित टोकरी में पहुँचाओ। बच्चों यहाँ पर कई शब्द दिए गए हैं जिनमें से आपको भाववाचक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं को छांटकर उनके अंदर टोकरी में लिखना है। आप पेंसिल से सभी नाम छांटकर लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा इन सभी शब्दों में से उठाते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आ जाएगा? सावित्री, बंगलौर, कश्मीर, ताजमहल। बच्चों ये चार नाम हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के। अब हम ढूंढते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में सबसे पहले आएगा मेज, मशीन, नदी व गाय। देखिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के लिए भी चार शब्द लिखे गए हैं, गाय, नदी, मशीन व मेज। अब हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में सबसे पहला है मेहनत, दूसरा हंसी, तीसरा बुढ़ापा, चौथा ऊंचाई। सारे शब्द कंप्लीट हो गए। इट मींस यहाँ पर चार चार शब्द तीनों संज्ञाओं के लिए दिया गया है। अब आपको क्या करना है? आपको इन चारों शब्दों को छांटकर इस टोकरी के अंदर लिखना है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही व गलत का निशान लगाओ। पहला वाक्य है लड़का व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि लड़का तो संपूर्ण लड़के जाति के बारे में बताता है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा तो बिल्कुल भी नहीं है, यह है जातिवाचक संज्ञा, इसलिए यह प्रश्न है गलत। आगे है संज्ञा के तीन भेद होते हैं, जो कि आपको पुस्तक में बताया ही गया है। ताजमहल भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, बिल्कुल नहीं। ताजमहल तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि यह एक विशेष स्थान पर बनाया गया एक विशेष इमारत है। तो चलिए यह प्रश्न भी, यह वाक्य भी गलत है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यस, बिल्कुल सही। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पांचवे प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है भाववाचक संज्ञा बनाओ। पहले शब्द को यहाँ पर जोड़कर लिख दिया गया है, दूसरा शब्द है सुंदरता, तीसरा शब्द है मित्रता, चौथा शब्द है मधुरता,
बच्चों इसी प्रकार पांचवा शब्द है वीरता। इसके बाद आपको क्रियाकलाप दिए गए हैं। प्रश्न के तीन के आधार पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा के दो दो उदाहरण संचिका में लिखो व चित्र चिपकाओ। बच्चों यह कार्य आपको बाद में दिया जाएगा, सबसे पहले आप अपना अभ्यास कार्य आज पूरा करेंगे। आशा करती हूँ आपको इस पाठ के अभ्यास कार्य में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। यदि है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके प्रश्नों के उत्तर देने को। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।